हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर लाइज़ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर थर्टीन फॉर क्लास इलेवेंथ। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट फोर्स दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमने टाइप ऑफ फोर्सेस देखे थे जिसमें कॉन्टेक्ट फोर्स थे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स थे टेंशन फोर्स थे नॉर्मल रिएक्शन था एम था यानी वेट वाला जो फोर्स था वो था और वहीं पर एक टाइप आपकी होती है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्लियर है तो देखिए ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई सरफेस है इस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है ठीक है इसका मास है एम मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया एफ जिसकी वजह से इसकी पोजीशन में कोई चेंजमेंट नहीं आया वेयर माई फोर्स इज गोन तो मेरा फोर्स कहाँ गया तो मैंने पहले भी बताया था कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट तो इसलिए रिएक्शन फोर्स ने एक्शन फोर्स को कैंसिल कर दिया ऐसा कभी नहीं होता एक्शन फोर्स रिएक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता बिकॉज बोथ द फोर्स आर एक्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अगर एक्शन इस पे है तो रिएक्शन इस पे होगा अगर एक्शन इस पे है तो रिएक्शन इस पे होगा यानी वो आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो फिर कहाँ गया मेरा फोर्स It means when uh, I will try to move the object or even move the object, then an opposite force comes into play. Opposite force comes into play, which always opposes the force due to which the object is in motion or by the force we want to move the object. जिस फोर्स को हमने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगाया या जिस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अपना रोल प्ले करता है जिसको क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स यानी जो ये फोर्स मेरा लगा इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगेगा जिसको किस नाम से जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के नाम से इस तरह के सिंबल से मैं फ्रिक्शन लिखूंगा इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा तो ये है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ठीक है जो कि कहाँ आता है कहाँ अपना रोल प्ले करता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस और ये नीचे कोई भी ग्राउंड है इसको टच कर रहा है तो ये इस सरफेस पे अपना रोल प्ले करेगा यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा एंड इट इज ऑलवेज ऑलवेज पैरल टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट जो सरफेस कॉन्टेक्ट में है उनके पैरल रहेगा तो एक्चुअल में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहां रहेगा ना कि यहाँ क्लियर और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर देता है मेरे फोर्स को बैलेंस कर देता है जिसे दोनों कैंसिल और यहां पे इस ऑब्जेक्ट के इफेक्ट जो पोजिशन है इसके ऊपर कोई इफेक्ट मेरे को नजर नहीं आएगा ये क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये क्या है अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है क्लियर है <coughs> तो नोट कीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है लिखो फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट टेंजेंशियली एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ही देखिए एक एग्ज़ाम्पल और दिया गया और उसमें पूछा गया कि इसमें आप फोर्स बताइए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रहेगा तो वो तो आप बता ही दोगे मैंने इसके ऊपर जो फोर्स है वो ऐसे लगाया इसके ऊपर एक फोर्स नीचे भी लगेगा एम जी अगर इसका मास एम हुआ तो तो ये सरफेस इन कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा इस डायरेक्शन में जिसको क्या बोल लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है तो ये इसके ऊपर लगने वाले क्या हो जाएंगे फोर्स हो जाएंगे क्लियर है ऐसे ही और भी आपने देखा होगा कि जैसे कई बार अपने पास कोई ऑटोमोबाइल है उसमें तो टायर भी होते हैं तो उसमें तो जो आपके पास कुछ इस तरह का केस बन जाता है है ना ऐसे तो ये कोई भी सेफ आपकी ले सकते हो आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जो भी है जो भी सेफ है कोई भी ऑटोमोबाइल है तो इसके ऊपर भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करेगा और वो कहाँ करेगा सरफेस इन कॉन्टैक्ट तो सरफेस इन कॉन्टैक्ट कहाँ पे है यहाँ पे है ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ़ इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ इन दिस डायरेक्शन क्लियर है अब बात आता है इस फ्रिक्शन के कारण क्या है इसके कारण क्या है एक स्टार पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट और बनता है देखिए अगर मैं ऐसा करूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट तो है ये और एक ऑब्जेक्ट और है बीच में मैंने कुछ ग्लासेस रख दी समझ कंची जिसको बोलते हैं ना मार्बल्स जिसको हम बोलते हैं ना वो रख दिए हमने यहाँ पे मार्बल और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट और है ना ऐसे करके ये कोई और ऑब्जेक्ट है और इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इसके ऊपर रोल करेगा यहाँ पे क्या करेगा ये इसके ऊपर इस रोल करता हुआ अगर आगे चला जाएगा तो ये अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन वो है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा क्लियर है चलिए तो यहाँ से इन सभी डायग्राम से कंक्लूजन निकल के आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये तो हमेशा ही मोशन का क्या करता है अपोज करता है नोट कीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन ए बॉडी इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द सरफेस रिलेटिव टू द सरफेस उसके बाद लिखिए कॉजेज कॉज ऑफ फ्रिक्शन काज ऑफ फ्रिक्शन लिखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन आपने शायद सुना होगा अगर आपका सरफेस स्मूथ है पेंट वगैरह कर देते हैं ग्रीस लगा देते हैं है ना जिसको क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह लगा देते हैं है ना लुब्रिकेंट्स जिनको हम बोलते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट अगर ये ल्यूब्रिकेंट्स यानी लुब्रिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाए कहाँ पे किया जाता है लुब्रिकेशन ग्रीस लगाना वगैरह जो भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में है लगातार वो आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे और उन उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी रहेगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन मूव करेंगे <coughs> तो वहाँ पे फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स लगा दिए जाते हैं क्या लगा दिए जाते हैं लुब्रिकेंट्स लगा दिए जाते हैं वो क्या करते हैं लुब्रिकेंट्स उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देते हैं इट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ठीक किया जा सकता है इट मीन्स इसका कोई ना कोई कारण है भाई आपको अगर यही नहीं पता कि मेरे कोई बीमारी किस कारण से हुई है तो आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि कारण का पता चलेगा तो उससे बचना पड़ेगा तब आप उस बीमारी से बच जाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने ठीक कर दिया इट मीन्स हमें ये पता है किस कारण से हुआ है ये तो हमें पता है किस कारण से हुआ है तो कारण हम देख लेते हैं अब देखिए क्या हुआ कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो तो एक तो आप किसी जिगजैग सरफेस के ऊपर मूव कर रहे हो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हो एक जैसे रोड होता है तारकोल वाला ना जो मेन रोड होते हैं ब्लैक कलर के जो होते हैं ना इन व, इन रोड के ऊपर मूव कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगाना था वो हर सरफेस पे अलग अलग लगाना पड़ रहा है इट मीन्स सरफेस की सेफ जो होती है उसके ऊपर फोर्स ऑफ़ फ्रिक्शन डिपेंड करता है डेफिनेटली करेगा डेफिनेटली उसके सरफेस की जो सेफ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा तो उस सेफ में डिफरेंस क्या है उस सेफ में डिफरेंस ये है कि जो सरफेस इन कॉन्टेक्ट आपका है वो आपका जिग जैग तो नहीं है जिग जैग मतलब वो खाबड़ ऊपर ऊंचा नीचा तो नहीं है अगर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा अगर नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा बट नो सरफेस इज हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट फ्रिक्शन लेस लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में कोई भी सरफेस हंड्रेड परसेंट फ्रिक्शन लेस नहीं है यानी सभी सरफेसिज के अंदर इरेगुलरिटी है सरफेस हंड्रेड परसेंट स्मूथ कोई भी नहीं है उनके अंदर इरेगुलरिटी है क्यों है आप सपोज कीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं है अगर सरफेस के बीच में इरेगुलरटी नहीं है तो या तो कोई चीज़ चलती नहीं और चल पड़ती तो रुकती नहीं सोचो ये चीज़ सपोज एक बाइक वाला है और फ्रिक्शन नहीं है फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा तो वो ऐसे ऐसे चलने की बजाय पहले तो सीधा क्या करेगा स्लाइड करेगा उस सरफेस पे क्या करेगा स्लाइड ये बात सही है ना भाई रोल तो किसकी वजह से करेगा फ्रिक्शन वो तो है ही नहीं वो तो है ही नहीं तो स्लाइड करके जा रहा है चलो किसी भी तरह से उसको स्लाइड करा दिया कि सरफेस ऐसे बना दिया ऐसे चलेगी साइकिल ठीक है उसके बाद उसको रोकनी पड़ेगी साइकिल तो रोकेगा कैसे भाई ब्रेक लगाएगा तो दो सर्फेस के बीच में फ्रिक्शन चाहिए फ्रिक्शन है ही नहीं तो रोकेगा कैसे तो सोचो आप कैसे रोकेगा हाँ रोकने के लिए कोई दीवार ढूंढनी पड़ेगी उसके टक्कर मारेगा तब तो जाके उसकी साइकिल रुकेगी इट मीन्स बिना फ्रिक्शन के इस दुनिया में छोटी से ले बड़ी तक कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है आप सुबह से ले शाम तक ऐसा कोई काम नहीं करते जो बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल हो कोई भी काम कर लो उसकी पॉसिबिलिटी केवल और केवल फ्रिक्शन के कारण है मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फ्रिक्शन इज़ फास्ट पहले फ्रिक्शन उसके बाद बाकी सब कुछ देखेंगे इसके अलावा बिना फ्रिक्शन के दुनिया में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती ये फिक्स है आप सोचिए कि ऐसा दिन में हम क्या करते हैं जिसमें फ्रिक्शन यूज होते हैं सुबह से लेकर शाम तक तो की कोई भी एक्टिविटी देख लीजिए बिना फ्रिक्शन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है सपोज मेरे हाथ में मार्कर है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लाइड कर जाता क्या पॉसिबिलिटी हो इतनी कि मैं इस मार्कर को ऐसे पकड़ लेता नहीं भाई नहीं पकड़ सकता था कई बार क्या होता है इमेजिन कीजिए कि आपके पास गिलास है वाटर का और वो किसका भर गया पूरा का पूरा ग्रीस में लगा दिया और उसमें पानी डाल दिया अब आप उसको कितना टाइट पकड़ के उठा लो कितना टाइट पकड़ के उठा लो अपने आप फिसल जाता है नीचे फिसलता है ना इट मीन्स बिना फ्रिक्शन के कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है बिना फ्रिक्शन के कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है चलिए चलिए शुरू करते हैं कि इसके कोज क्या हैं तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई भी सरफेस 100% परसेंट स्मूथ नहीं है अगर 100% परसेंट स्मूथ नहीं है तो अगर हम हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप मीन्स एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है यानी ऑब्जेक्ट्स हमारे बहुत नज़दीक तो हैं लेकिन उनका साइज इतना छोटा है कि उनको हम नेट आई से नहीं देख सकते ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है और माइक्रोस्कोप्स का रिजोल्यूशन अलग अलग होता है अब ये क्या फंडा आ गया शायद एक बार आई हुआ था तो उसमें वीवो वी सेवन वी और वी नाइन प्रो की एड आती थी फोन की और उसमें वो दो कैंडल जलती हुई की एक साथ इमेज लेता था और फिर उसको दिखाता था ये अलग अलग दिख रही है तो कुछ बच्चों को तो ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कर क्या रहा है इमेज तो हमारा फोन भी ले लेगा उन कैंडल्स की नहीं वो रिजोल्यूशन दिखा रहा था रिजोल्यूशन मतलब वो कैंडल इतने नज़दीक नज़दीक हैं अगर किसी और कैमरा से उसकी पिक लोगे तो वो एक ही नज़र आएगी वो ऊपर की जो फ्लेम है ना वो आपको में ऐसे मिल जाएगी एक ही नज़र आएगी लेकिन वो उसकी क्वालिटी दिखा रहा था उस कैमरा की आप देखिए कि इतने नज़दीक होने के बाद भी इनके अंदर बारीक सा भी गैप है उसको भी कैमरा दिखा रहा है ये मीन्स इसकी रिजोल्यूशन बहुत अच्छी है इसकी रिजोल्यूशन बहुत अच्छी यानी मैं कह रहा हूँ हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप यूज करेंगे मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो दिखाएगा ही इवन अगर छोटे छोटे पार्टिकल दो पार्टिकल नज़दीक हैं तो कुछ माइक्रोस्कोप उनका एक बना के दिखा देगा लेकिन वो उनको अलग अलग दिखाए और उनके अंदर जो गैप है उसको प्रॉपर मेंटेन रखे उसको भी दिखाए तो ऐसे माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो कोई भी सरफेस स्मूथ नज़र नहीं आएगा उसके अंदर इरेगुलरटी नज़र आ जाएंगी यानी उसके अंदर वो सरफेस सारे आपको इस तरह के जरूर मिल जाएंगे सरफेसिस क्या मिल जाएंगे इस तरह के जब ये सरफेस ऐसा है तो इसके ऊपर चलने वाला जो सरफेस है वो भी आपका कैसा मिलेगा ऐसा ही मिलेगा उसमें भी ऐसे मिलेंगे किसी में ज़्यादा तो किसी में कम किसी में इनका साइज़ बड़ा हो जाएगा तो किसी में छोटा हो जाएगा ये फर्क हो सकता है अब देखिए जब ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो यहाँ पे जैसे थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ इस तरह से सरफेस बना तो इस तरह से ये बने जब ये चलेगा तो जैसे ही ये जो आपस में एक का उभरा हुआ पार्ट और एक का अंदर दबा हुआ पार्ट ये जब आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर बन जाता है लोक क्या लग जाता है वहाँ पर लोक तो ये लोक लगातार लगेंगे हटेंगे लगेंगे और अटेंगे यही है फ्रिक्शन का कारण यही है फ्रिक्शन का कारण क्लियर है तो मेन कारण क्या है नंबर ऑफ ग्रोज और इरेगुलरिटीज इन द सरफेसेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ठीक है और द सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट ये इसका कारण है नोट कर लीजिए If we seen the surfaces with the help of high power microscope, then number of grooves, grooves, number of grooves or irregularities are observed are seen or are observed are observed. Full stop when one surface is placed over another surface humps H U M P S Humps of molecules press against each other and get interlocked, press pressed against each other and get interlocked. ब्रेक द लोक वी रिक्वायर्ड सम फोर्स दैट फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स दैट फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन मेनली आपके तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन सेकेंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन फर्स्ट क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में दूसरा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक है ये आपके तीन टाइप के फ्रिक्शन हैं स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन ये आपके तीन टाइप के फ्रिक्शन है क्लियर है चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन तो नोट कीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी is called static friction, is called static friction, is called static friction. देखिए मेरे पास ये कोई सरफेस है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका मास्क एह मान लिया इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ इज इक्वल टू टेन न्यूटन मैंने कितना फोर्स लगाया टेन न्यूटन ये रेस्ट में रहा किस में रहा रेस्ट में रहा उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे आदमी ने आके फोर्स लगाया एम कितना 15 न्यूटन तब भी एक इसमें रहा रेस्ट में रहा तो इन दोनों सरफेसिस के बीच में जो तो टेन न्यूटन एक इसने बैलेंस कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन ने किसने बैलेंस कर लिया एफ एस ने स्टैटिक फ्रिक्शन ने क्लियर है यहाँ पे भी किसने बैलेंस कर लिया स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट से मास सेम फोर्स बदला अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप चेंज हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप चेंज हो गया कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन इट मीन्स इट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन कम और ज्यादा भी हो सकता है यस स्टैटिक फ्रिक्शन कम और ज्यादा भी हो सकता है तो so, नोट कर लीजिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एज एडजस्टिंग फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मीन्स इट इज जब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाईड फोर्स इसके ऊपर कितना हुआ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है उसके ऊपर लगातार हम फोर्स बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे इट मीनस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती एक टाइम ऐसा आता है कि अगर अब पॉइंट फोर्स भी इंक्रीज कर दिया अगर थोड़ा सा फोर्स भी इंक्रीज कर दिया देन इट नोट रिमेन्स इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट तो यह अपनी रेस्ट के स्टेट में नहीं रहेगा मीन्स मींस इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट एट वर्ज ऑफ मोशन उस किनारे पे बिल्कुल उस किनारे पे है कि अब भोर से अगर बढ़ा तो ये चलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट आ गई किसकी लिमिट आ गई स्टेटिक फ्रिक्शन की तो स्टेटिक फ्रिक्शन की लिमिट को यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन अब मेरे को ये बताइए अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आप स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो नहीं भाई सेल्फ एडजस्टिंग है कहीं पे कोई कैलकुलेट कुछ कर देगा कोई कुछ कर देगा दैट इज डिपेंड अपॉन द अप्लाइड फोर्स कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा इट मेन्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है ये तो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हम लिख देंगे उतना ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन लिख देंगे तो इंपोर्टेंट पॉइंट एक तो क्या लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स और दूसरा क्या लिखा देर इज नॉट एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा दुनिया में कोई फॉर्मूला आज तक नहीं बना है जो स्टैटिक फ्रिक्शन को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सके क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टिंग है अगर फोर्स अप्लाइड फोर्स एक्शनल फोर्स बढ़ा तो ये भी बढ़ जाता है और घटा तो ये भी घट जाता है तो कैलकुलेट तो नहीं किया जा सकता केवल और केवल कंपेयर किया जा सकता है कि अगर स्टेटिक अगर आपका अप्लाइड फोर्स इतना है तो स्टेटिक भी इतना ही है बस केवल ये कहा जा सकता है नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट क्या है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन नोट कीजिए द मैक्सिम वैल्यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play which comes into play when a body is just going to start when a body just going to start sliding over the surface of another body is called limiting force of friction is called limiting force of friction means जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू अगर उससे ज़्यादा एक परसेंट भी अगर थोड़ा सा भी फोर्स अगर इंक्रीज किया तो अब आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं नोट कीजिए नेक्स्ट डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फटाफट नोट कीजिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले वैन वन बॉडी मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनोदर बॉडी मूव्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनोदर बॉडी इज कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बाद है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसके फिर दोबारा से दो टाइप होते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन को फिर दोबारा से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है तो फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग और सेकेंड वन इज रोलिंग फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो नोट कीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन पहला क्या है स्लाइडिंग और दूसरा क्या है रोलिंग रोलिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो नोट कीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले the force of friction which uh, comes into play when one body slides over the other body is called sliding friction is called sliding friction next one is rolling next one is rolling friction not kg rolling friction the force of friction which comes into play the force of friction which comes into play

लिख लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन इसका मतलब ये हुआ अब बात आती है दो तरह के फ्रिक्शन हो गए एक तो स्लाइडिंग हो गया एक रोलिंग तो हो, हो गया तो नोट कीजिए रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के इस वीडियो का लॉज ऑफ फ्रिक्शन थ्योरी है बिल्कुल थ्योरी है इसमें भी लॉज ऑफ फ्रिक्शन नोट कीजिए लॉज ऑफ फ्रिक्शन पहला लॉ लिखिए वही है कि कौन किस डायरेक्शन में लेगा कब होगा यही है लॉज में पहला लॉ लिखिए द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लाज ऑफ आप ऐसा कर लो हाँ लिख लीजिए ली, चलो कोई नहीं द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द इज़ ऑलवेज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस और टेंस टू टेक प्लेस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लिखो लिमिटिंग छोड़ दो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द मोशन ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस और टेंड्स टू टेक प्लेस सेकेंड पॉइंट लिखिए सेकेंड लॉ लिखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियली दफ फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज अलोंग द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज उसके बाद लिखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्सन इज़ डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसिज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसिज यानी सभी टाइप के जो फ्रिक्सन हैं वो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और लिखिए नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्सन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ़ टू बॉडीज नोट डिपेंड्स अपॉन सरफेस इन कॉन्टेक्ट और सरफेस इन कॉन्टेक्ट दो हो सकते हैं एक तो नॉर्मल रिएक्शन वाला इसके अलावा कोई और भी सरफेस इन कॉन्टेक्ट हो सकता है तो आप नॉर्मल रिएक्शन वाला सरफेस लेंगे तो नोट कर दीजिए सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज एज ए लॉन्ग एज ए नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट नेक्स्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर इन कॉन्टैक्ट तो किसी के पास अगर पुरानी बुक होगी परदीप वगैरह की तो उसमें शायद ओल्ड और न्यू थ्योरी के नाम से दो, दो थ्योरी मिलेंगी आपकी लाज ऑफ फ्रिक्शन की तो आपको ओल्ड छोड़ देनी डायरेक्ट न्यू करनी है क्योंकि ओल्ड वाली जो थ्योरी थी उसमें ये कहा गया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इन कॉन्टेक्ट के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है लेकिन न्यू थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया गया कि ये बिल्कुल गलत है ठीक है फॉर एक्ज़ाम्पल मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मास है मान लिया वन के जी तो इसको ऐसे सरफेस पे रखा और इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे तो सपोज आपका अब जो एरिया इन कॉन्टेक्ट है वो कितना आ रहा है जो भी आ रहा है वो नोट कर लिया तो सपोज़ फोर्स बीस न्यूट्रल लगा अब ये एरिया ले रहा हूँ मैं ये वाला ऐसे रख दिया ऐसे रख के स्लाइड कर रहा हूँ तो अगर एरिया पे डिपेंड होगा तो अब क्या आना चाहिए कम आना चाहिए लेकिन देखते हैं कि कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता उतना ही फोर्स अब भी लगाना पड़ता है तो क्या नहीं बदला इसका मास नहीं बदला तो मास के ऊपर क्या होता है यानी नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लियर है तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में एक ग्राफ डिस्कस करेंगे और तो उसके बाद शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ठीक है एक ग्राफ जिसमें हम शो करेंगे फोर्स अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में बनाएंगे स्टैटिक लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की क्लियर है तो सभी डेली का काम डेली करते रहें कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करें अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें नहीं आया हो तो मेरे पास मैसेज करें अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो यूट्यूब पे ही इसको लाइक कर दें अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे पास व्हाट्सअप पर मैसेज करके बता दें कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया ये टॉपिक पूरा समझ में नहीं आया क्लियर है ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो ना मैसेज करे ना लाइक करे एक काम जरूर करना है क्लियर है तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स